नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत माध्यमिक व प्राथमिक शाला फुटेर चक्र एक में मध्यान्ह भोजन के नाम पर 500 बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पार्वती स्व सहायक समूह के द्वारा स्कूल में खाना बनाया जाता है। जी हाँ, खाना तो बनाया जाता है, लेकिन जब हमारी टीम स्कूल जाकर खाने का प्रशिक्षण किया तो खाने की हकीकत कुछ और ही थी। ना तो खाना मेन्यू के अनुसार कभी भी बच्चों को दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो दो दो रोटी और पानी की तरह पतली सब्जी। प्रतिदिन बच्चों को आलू की सब्जी दी जाती है। जब मध्याह्न भोजन के बारे में शिक्षक से पूछा तो शिक्षक के समूह का दबाव करते हुए पल्ला झाड़ लिया। स्कूल में खाना खाने के बर्तन स्वयं बच्चों को साफ करने पड़ते हैं, जब जाकर बच्चों को खाना मिलता है। जब हमारी टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया तो स्कूल के शौचालयों में ताला लटका मिला। जब न्यूज़ स्टेट 18 की टीम ने स्कूल के शिक्षक से बात की तो उन्होंने बात को पलटते हुए मना कर दिया। जब शिक्षक से पूछा गया कि बच्चों को खाना खाने के लिए थाली क्यों नहीं दी जाती, तो शिक्षक ने बच्चों को ही जाल में फंसा दिया और बताया कि बच्चे थाली यहाँ वहाँ गायब कर देते हैं। अब देखना यह है कि शासन इस पर कोई कार्रवाई करता है या हर बार की तरह इस बार भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी सर, आज शनिवार था सर, बता सकते हैं सर आज क्या मिलना था मेन्यू के अनुसार? मेन्यू के अनुसार क्या है? सब्जी और जो पूरी मिला था। नहीं सर, मैं आज पूछ रहा हूँ, आज शनिवार का दिन है तो आज मेन्यू के अनुसार क्या मिलना चाहिए बच्चों को खाने के लिए? पूरी सब्जी, खीर भी रखी साथ में, लेकिन अब खीर किसी कारण नहीं बना पाए। और सर शनिवार को मेनू के अनुसार जैसे लिखा है कि आप पराठे भी मिलने चाहिए, तो सर पराठे तो मिले ही नहीं, और आलू की सब्जी दी गई बच्चों को। आलू की सब्जी तो दी, पराठे नहीं मिले, खीर भी नहीं मिली। सर कुल यहाँ पे कितने छात्र दर्ज हैं? 500 बच्चे दर्ज। 500 और ना उसमें नमक की कमी रहती है और नमक मिलता है। सब्जी कैसी मिलती है? सब्जी उसकी पतली पतली मिलती है। कितनी रहती है? दो। और जो मेनू के अनुसार खाना बनता है? नहीं। जो भोजन मिलता है आपको वो कितना दिया जाता है? 4 रोटी, 1 कचली सब्जी। और कुछ खाने के लिए बर्तन मिलता है आपको? हाँ, थाली मिलती है। थाली कौन धोता है? हम लोग। आप लोग धोते हैं? हाँ। और बाथरूम करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर। बाहर जाते हैं। बाथरूम की व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं। टीकमगढ़ से नंद किशोर रजक की रिपोर्ट।